स्वागत है सभी का आज की इस न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली ऑल यूजर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुका हूँ, जहाँ पे आप वर्क करके काफ़ी अच्छी खासी इनकम को आप जनरेट कर सकते हो। अगर आप मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, आप बोथ इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में आपको जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिस कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ज्वाइनिंग प्रोसेस, उस कंपनी का नाम है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है रिलायंस स्मार्ट पॉइंट। अगर आप किसी मॉल में वर्क करना चाहते हो, किसी स्टोर में वर्क करना चाहते हो, तो आपके लिए रिलायंस स्मार्ट पॉइंट एक बेस्ट कंपनी हो सकती है, जिसमें आप वर्क करके काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में किस तरह से ज्वाइनिंग करना है, क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, सारी कुछ कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड में वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे, इंपॉर्टेंट लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करना, चैनल पर ना हो जाना सब्सक्राइब हो, बेल आइकन को प्रेस कर दूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो को बेटा तो सीखा इसमें ना चलेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के बारे में कुछ क्विकली इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आपने बाजार घूमे होंगे, बिग बाजार मॉल में आप गए भी होंगे, शॉपिंग भी करी होगी, बट यहाँ मैं बता दूँ कि कुछ महीनों पहले बिग बाजार काफ़ी यहाँ पे लॉस में था, जिसको पूरा तरह से यहाँ पे टेक ओवर कर लिया है रिलायंस वालों ने, एंड उस बिग बाजार का नाम अब रिलायंस बाजार पड़ गया है। एंड रिलायंस वालों की काफ़ी यहाँ पे बड़ी मुहिम है कि हर एक सिटी में अपने अपने स्टोर ओपन करना, एंड यहाँ पे रिसेंटली काफ़ी सारी सिटी में लास्ट 1-2 मंथ में काफ़ी सारे रिलायंस स्मार्ट पॉइंट ओपन हो रहे हैं, जो आप सबने भी यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे आपकी सिटी में, आपके शहर में यहाँ पे ओपन हो रहे होंगे रिलायंस स्मार्ट पॉइंट। एंड अगर मैं अपने सिर्फ कानपुर की बात करूं, तो कानपुर में रिसेंटली 50 प्लस स्टोर अभी राइट नाउ ओपन हो चुके हैं। अब इतने जब स्टोर ओपन होंगे, जब इतनी कंपनी ग्रो करेगी, तो जाहिर सी बात है उस कंपनी में बम्पर भर्तियां यहाँ पे वैकेंसियां यहाँ पे लाइव होगी। तो यहाँ पे अगर आप रिलायंस जैसे प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहते हो, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में वर्क करना चाहते हो, एक अच्छे खासे यहाँ पे आप जॉब की तलाश में हो, तो आपके लिए एक बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है रिलायंस स्मार्ट पॉइंट। यहाँ पे आपको सिंपली ग्रोसरी के आइटम होते हैं, जो भी आपको खाने पीने के ग्रोसरी या फिर किराना के जो आइटम होते हैं, वो आपको यहाँ पे रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में देखने मिलेंगे। एंड जिस तरह आप बिग बाजार में आप सेल्समैन का वर्क करते थे, कैशियर का वर्क करते थे, या फिर आप किसी भी पोस्ट में वर्क करते थे, तो वही सारे पोस्ट आपको यहाँ पे रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे पोस्ट की बात करें, तो यहाँ पे आपको सेल्समैन भी देखने को मिल सकता है, कैशियर भी है, मैनेजर भी है, यहाँ पे स्टोर कीपर भी है, यहाँ पे आपका प्यून भी है। तो यहाँ पे आपका जो भी आप क्वालिफिकेशन है, उसके पैरामीटर्स पे आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में आप वर्क कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं आपको वर्क स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। तो यहाँ पे किन किन पोस्ट में आपको कैसा कैसा वर्क करना पड़ सकता है, तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्समैन का अगर हम बात करें, सेल्समैन में आपको जो भी आइटम होंगे, जो भी किराना के आइटम होंगे, उनको कस्टमर को यहाँ पे सेल करवाने होंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा उसके बारे में नॉलेज कस्टमर को देनी पड़ेगी, यानी कि आपको सेल्समैन का जैसे आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें मैनेजर, तो मैनेजर का काम ये होता है सिंपली जितना भी पूरा स्टाफ है, जितना पूरा स्टोर का स्टाफ है, उसको मैनेज करना। ओके, कोई भी यहाँ पे कम बेसी होता है तो उसको मैनेज करके अपने सीनियर स्टाफ को ट्रांसफर करना, तो ये मैनेजर का सिंपली काम है। कैशियर का अगर हम बात करें, तो कैशियर का सिंपली जो भी कैश काउंटर होंगे वहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा, जो भी बिल होंगे वो आपके काटने पड़ेंगे, एंड जो भी एंट्री होगी वो आपको चढ़नी पड़ेगी, तो कैशियर का ये वर्क है। एंड इसके बाद प्यून का यहाँ पे पूरा स्टोर को क्लीन रखना एंड साफ सफाई पर ध्यान रखना, ये प्यून का वर्क रहेगा। एंड यहाँ पे इसके बाद एक और पोस्ट है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का यहाँ पे सिंपली ये काम रहेगा सबकी अटेंडेंट नोटिस करना, कब कोई चेक इन करता है, कब कोई चेकआउट करता है, जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उस समय स्मार्ट पॉइंट में, तो उसकी सारी डिटेल उस सुपरवाइजर के हाथ में होगी, यानी कि अटेंडेंस लेने का काम उसका रहेगा, सुपरवाइजर का। तो दोस्तों हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में वर्क करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट पासबुक आपसे मांगी जाएगी, जिसके थ्रू यहाँ पे आपकी उसी बैंक में आपकी सैलरी भी क्रेडिट होगी। ओके, तो ये दोनों डिटेल आपको यहाँ पे ले जाने हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करें लंच टाइमिंग भी आपको रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में देखने को मिलता है, 1 घंटे का आपको यहाँ पे लंच टाइम दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, जिसमें आप लंच कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं ज्वाइनिंग फीस। तो ज्वाइनिंग फीस रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में वर्क करने के लिए आपको 1 रुपये भी नहीं देने हैं, आपको सिंपली अप्लाई करना है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। एंड इसके बाद अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो टाइमिंग यहाँ पे आपको 3-4 आपको यहाँ पे टाइमिंग देखने मिल जाएगी, हर एक सिटी वाइज यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डिफरेंट यहाँ पे टाइमिंग आपको देखने मिल जाएगी। अगर मैं अपने कानपुर की बात करूँ, तो कानपुर में जो टाइमिंग समय चल रही है 6 AM से लेकर 3 PM का एक स्लॉट है, जिसमें आप वर्क कर सकते हो। सुबह मॉर्निंग में आपको 6 AM से 3 PM आपको जाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर टाइम में आपको वर्क करना पड़ेगा, लगभग 6-7 घंटे का आपका यहाँ पे वर्किंग स्ट्रक्चर रहेगा। एंड इसके बाद दूसरी जो टाइमिंग है 9:30 AM से लेकर 4:30 PM, ये एक टाइमिंग है, और इसके अलावा भी एक टाइमिंग है, वो मैं मुझे क्लियर नहीं, तो इसमें मैं बता नहीं सकता। तो यहाँ पे टोटल 3-4 टाइमिंग यहाँ पे चलती है, आप हर एक सिटी में थोड़ी हल्की फुल्की 19-20 यहाँ पे रहेगी टाइमिंग, जिस पर्टिकुलर टाइमिंग आप वर्क कर पाओगे, लगभग 6
घंटे का यहाँ पे पूरा यहाँ पे वर्क स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें आप वर्क करके काफ़ी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाओगे। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं पेट्रोल का कवर आपको कंपनी देती है, तो यहाँ पे पेट्रोल का कवर भी आपको कंपनी के थ्रू मिलता है। अगर आप किसी भी पोस्ट में वर्क कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे व्हीकल अपने यूज़ कर रहे हो उसमें पेट्रोल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आपको सिंपली अपने व्हीकल की जो मीटर है उसकी रीडिंग आपको वहाँ पे जो सुपरवाइजर है उनको नोट डाउन करानी है, एंड उनके थ्रू जो भी आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी आप मंथली में यहाँ पे पेट्रोल में इन्वेस्ट कर रहे होगे, वो आपको पेट्रोल का कवर आपको कंपनी देती है। ओके, तो पेट्रोल का कवर मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में अगर आप वर्क करते हो तो यहाँ पे आप कितनी अर्निंग कर पाओगे, सैलरी आपके यहाँ पे कितनी बनेगी। तो यहाँ पे जो मेन पोस्ट है जो कि है सेल्समैन, इसकी मैं आपको सैलरी बता देता हूँ, एंड यहाँ पे जो अप टू सैलरी रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेल्समैन की सैलरी 9000 प्लस जाएगी, एंड अगर वो पेट्रोल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, अपनी गाड़ी यहाँ पे यूज़ करता है स्टोर में आने जाने के लिए, तो उसका भी उसको कवर मिलेगा। तो 9000 प्लस इनकी सैलरी रहेगी सेल्समैन की, एंड अगर आप मैनेजर या फिर सुपरवाइजर बनते हो तो उनकी सैलरी अप टू 25,000 रुपीज़ तक जा सकती है। ओके, प्यून की भी सैलरी अब आप सेल्समैन से थोड़ी कम रहेगी, 7 से 6 हज़ार के अप्रॉक्स। ओके, तो यहाँ पे ये सैलरी स्ट्रक्चर है रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में वर्क करने का। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में वर्क करने के लिए आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। तो बेसिकली रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में अप्लाई करने के लिए आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। बट यहाँ पे ऑनलाइन का प्रोसेस अभी उतना वर्क नहीं कर रहा, उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए इस वीडियो में आपको ऑनलाइन प्रोसेस नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपली ऑफलाइन प्रोसेस शेयर करूंगा जिससे आप इजीली जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे ज्वाइन कर पाओगे। ऑफलाइन में भले उतना टाइम लगे वहाँ से आपका फीडबैक आने में या फिर वहाँ से आपको कुछ भी रिवर्ड आने में, बट यहाँ पे ऑफलाइन अगर आप प्रोसेस अपनाओगे तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे ऑफलाइन प्रोसेस में आपको सिंपली करना क्या है, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड और अपना बैंक पासबुक लेके आपको नियर बाय रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में विजिट कर लेना है। ओके, कोई भी आप यहाँ पे गूगल मैप में सर्च कर लेना रिलायंस स्मार्ट पॉइंट नियर बाय, तो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। आप सिंपली वहाँ जाके अपना यहाँ पे रिज्यूम सबमिट कर दो, आधार कार्ड पैन कार्ड और अपना बैंक पासबुक सबमिट कर दो। वैकेंसियाँ वहाँ पे अगर होंगी तो आपके यहाँ पे इंस्टेंट आपको एक छोटा सा इंटरव्यू होगा जिसमें आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको यहाँ पे सेल्समैन की नॉलेज है या फिर मैनेजर की पोस्ट में अप्लाई करो तो उसकी नॉलेज है थोड़ी बहुत कि नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिनका आप आंसर देखिए आप इंटरव्यू क्रैक करके आप रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में इंस्टेंट यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, एंड विद इन 1 वीक के अंदर आपको यहाँ पे आईडी भी आपको मिल जाएगा, आईडी कार्ड मिल जाएगा, और यहाँ पे आप अगले ही दिन से यहाँ पे आप वर्क करने लोगों की रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ऑफलाइन प्रोसेस ही काफ़ी यहाँ पे बेटर इस समय चल रहा है रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में ज्वाइनिंग करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे मैंने कुछ दोस्तों की भी ज्वाइनिंग कराई है रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में ऑफलाइन प्रोसेस के थ्रू, और उनकी इंस्टेंट ज्वाइनिंग भी हुई है। एंड हमारे एक साले साहब हैं आशीष जी, उनकी भी यहाँ पे ज्वाइनिंग ऑफलाइन ही कराई गई है जिससे वहाँ पे इंस्टेंट उनकी ज्वाइनिंग भी सक्सेसफुली हुई है। तो इस समय फिलहाल के लिए ज्वाइनिंग करने के लिए ऑफलाइन प्रोसेस काफ़ी बेटर है रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में, और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कर लो बिकॉज काफ़ी यहाँ पे कंपनी ग्रो होने वाली है एंड वैकेंसियाँ ऑलमोस्ट फुल होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करो ताकि आपको एक बेस्ट जॉब मिल सके। ओके, एंड यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस के लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बिकॉज अभी फिलहाल के लिए प्रॉपर वो वर्क नहीं कर रहा है एंड कुछ इरर हैं, इस रिगार्डिंग मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ ऑनलाइन प्रोसेस के ऊपर। तो उसके रिगार्डिंग मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जब पूरा प्रोसेस अच्छे से वर्क करेगा। तो ओके, तो आज की इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज मुझे सारी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी जो कि इस वीडियो में आपको शेयर कर दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करना, चैनल पर ना हो जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो को वीडियो तो सीखा इसमें। चलिए मिलते हैं कितने फ्रीडम, तब तक लीजिए वंदे मातरम।